तो देश विदेश में अपनी ख्याति फैला चुके जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज आज राजधानी जयपुर में हो चुका है और इस मौके पर असहिष्णुता को लेकर अवार्ड वापस करने वाले साहित्यकार नंद भारद्वाज से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आदित्य आत्रे ने। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज यहाँ पे हुआ है, काफी साहित्यकारों का यहाँ जमघट है। इस मौके पर हमारे साथ हैं साहित्यकार नंद भारद्वाज जी, चलिए इनसे चर्चा करते हैं इसको लेकर। सर, सबसे पहले तो जयपुर में आयोजित हो रहा है लिटरेचर फेस्टिवल, क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है, एक अच्छा अवसर मिलता है साल में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो साहित्य में काम हो रहा है उससे एक संवाद का, उससे जुड़े हुए बहुत सारे लोगों से मिलने का भी, और अच्छे सेशन होते हैं। 5 दिन तक इस तरह का आयोजन होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और जयपुर को इस पर गर्व है। असहिष्णुता को लेकर आपने अवार्ड वापस लौटाया था, क्या फिर से आपको लगता है देश में वैसा ही माहौल दोबारा बन रहा है हालिये जो घटनाएं हुई है? ऐसा असहिष्णुता का मुद्दा कोई अभी नहीं पैदा हुआ है, ये शुरू से ही भारतीय समाज का एक हिस्सा रहा है। सरकार का या सिस्टम का काम है इस तरह की चीज़ों को नियंत्रित करे, अगर कहीं कोई बुरी घटना होती है तो एक कानून व्यवस्था से जुड़े लोग उसे कंट्रोल करते हैं। लेखकों की हत्या होती है, बुद्धिजीवियों पर अटैक होते हैं और कट्टरपंथी तत्वों द्वारा होते हैं, और सरकार बैठी अगर चुपचाप देखती रहे तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। हमने इसीलिए उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी और वो एक प्रतीकात्मक विरोध था, उसका अपना एक इम्पोर्टेंस है। सर, हैदराबाद में हालिया में एक और घटना ऐसी देखने को मिली थी, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस तरह के हालात पैदा नहीं होने चाहिए थे कि कोई बच्चा इस तरह का डाइवर्स निर्णय ले, ये बहुत दुखद बात है। किसानों ने भी इस तरह के घटनाओं में अपनी इस तरह की दर्ज करवाई है, ये उसी क्रम में बहुत दुखद घटना है, ये नहीं होना चाहिए। सरकार को और सारे समाज को उस पर विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो पाता है। आप इस साहित्य के महाकुंभ में आए हैं तो अपनी ओर से किस तरह की पहलू यहाँ पे रखना चाहेंगे? हम तो देखिए समन्वय की, सद्भाव की ही कामना करते हैं, उसी के लिए काम करते हैं, हमारा लेखन भी उसी के लिए समर्पित है। हम समाज में टकराव नहीं चाहते, हम समाज में दुराव की भावना पैदा हो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है, चिंता की बात है, उसी के लिए हमारा लेखन है। तो ये थे हमारे साथ नंद भारद्वाज जी, जिनका कहना था कि समाज में किसी तरह का कोई टकराव ना हो, दुर्भावना ना हो, इसको लेकर ये अपनी बात यहाँ पे रखेंगे। कैमरामैन घनश्याम कुलदीप के साथ आदित्य आत्रे, फर्स्ट इंडिया।